How are you, kids? Everyone fit and fine? Your place, okay? Today our subject is English, unit number 4, lesson number 6, word house. Word yane kya? Shabd. House yane ghar. Okay, word ka spelling kya hai? W-O-R-D word. House, H-O-U-S-E, house, okay? First one, read and write down the related words in the blanks. ये देखो यहाँ शब्द दिए मतलब वर्ड दिए ओके और इसके हाउस है मतलब ये देखो होम हाउस नंबर हाउस बॉडी पार्ट्स हाउस क्लॉथ हाउस मतलब जिसके जिसके रिलेटेड वो शब्द है वो हमें यहाँ राइट करना है ओके होम फर्स्ट वन क्या है यहाँ फुट या डबल ओटी फुट तो फुट यह शब्द ये वर्ड किस हाउस में जाएगा बॉडी पार्ट्स में ओके बाद में ये कौन सा किचन तो ये होम रिलेटेड है बराबर तो यहाँ हम राइट डाउन करेंगे ओके नेक्स्ट वन नी यह शब्द हमारे बॉडी पार्ट्स के रिलेटेड है तो हम यहाँ राइट डाउन करेंगे नेक्स्ट वन है बैग बैग यह शब्द कहाँ जाएगा होम तो ये यहाँ राइट डाउन किया ओके नेक्स्ट वन 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 ये शब्द नंबर के रिलेटेड है तो हम यहाँ राइट डाउन करेंगे ओके नेक्स्ट वन मदर एंड फादर वो हमारे घर में रहते हैं ना तो हम यहाँ लिखेंगे मदर एंड फादर तो शर्ट यह शब्द क्लॉथ के हाउस में जाएगा क्लॉथ्स में ओके बाद में साड़ी हर मम्मी की सभी की मम्मी पहनती है ना साड़ी तो ये क्लॉथ्स के हाउस में जाएगा ओके नेक्स्ट वन रिस्ट ये कौन सा हाउस में जाएगा बॉडी पार्ट्स के ओके बाद में कोट सी ओ ए टी कोट कोट ये शब्द कहाँ जाएगा ये वर्ड यहाँ क्लॉथ के हाउस में ओके नेक्स्ट वन स्पून एस पी डबल ओ एन स्पून स्पून एक किससे रिलेटेड है होम तो ये कहाँ जाएगा होम में ओके नेक्स्ट वन थ्री थ्री यह शब्द कहाँ जाएगा ये वर्ड नंबर के हाउस में देखो यार राइट डाउन किया मैंने बाद में आईज आईज है किसके रिलेटेड है हमारे बॉडी पार्ट्स के रिलेटेड है तो हमने यहाँ आईज लिखा फिर बाद में एल्बो एल्बो ये शब्द इसमें ही जाएगा किसमें बॉडी पार्ट्स में बाद में कबर्ड तो ये कहा जाएगा होम में रहता है ना कबर्ड तो होम के हाउस में जाएगा ओके बाद में है फाइव ये शब्द यहाँ जाएगा ये नंबर में ओके बाद में स्कार्फ ये क्लॉथ्स में जाएगा ओके नेक्स्ट वन शोल्डर है हमारे बॉडी पार्ट्स के रिलेटेड है तो हम यहाँ शोल्डर यहाँ राइट डाउन किया बाद में है ड्रेस तो ड्रेस यहाँ वर्ड क्लॉथ्स के रिलेटेड है तो ये यहाँ राइट डाउन किया ओके बाद में है टीवी है शब्द हमारे घर में रहता है एक फिर एक कार राइट डाउन करेंगे हम होम इज हाउस में ओके नेक्स्ट वन है फोर एंड फर्स्ट ये नंबर के रिलेटेड है तो हम यहाँ राइट डाउन कहेंगे फर्स्ट एंड फोर्थ बाद में है सॉक्स से क्लॉथ्स में जाएगा ओके हेड बॉडी पार्ट्स के रिलेटेड है तो हम यहाँ राइट डाउन करेंगे बाद में है रेनकोट तो रेनकोट है क्लॉथ्स के रिलेटेड है तो हमने यहाँ राइट डाउन किया ओके बाद में है स्टमक है वर्ड किससे रिलेटेड है बॉडी पार्ट्स के रिलेटेड है तो हमें यहाँ राइट डाउन किया फिर है ग्लास ये शब्द हम होम के हाउस में लिखेंगे ओके नेक्स्ट वन है हॉल ये शब्द हम यहाँ राइट डाउन करेंगे होम में ओके नेक्स्ट वन है बेड हमारे हम घर में रहता है ना तो हम कहाँ राइट डाउन करेंगे होम के हाउस में तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा वर्ड हाउस यानी क्या जो यहाँ राइट डाउन किए यहाँ जो वर्ड्स राइट डाउन है यहाँ और फोर हाउस दे होम नंबर्स एंड बॉडी पार्ट्स एंड क्लॉथ जो उसके रिलेटेड है वहां राइट डाउन करना है ओके नेक्स्ट सो नाउ स्टूडेंट अभी हम इसके वर्ड्स है वो रीड करते हैं रीड एंड राइट फर्स्ट वन है फूट एफ डबल ओ टी फूट नेक्स्ट किचन के आई टी सी एच ई एन किचन नी के एन डबल ई नी बैग बी ए जी बैग वन ओ एन ई वन शर्ट एस एच आई आर टी शर्ट साड़ी एस ए आर डबल ई साड़ी रिस्ट डब्ल्यू आर आई एस टी रिस्ट कोट सी ओ ए टी कोट
स्पून एस पी डबल ओ एन स्पून, थ्री टी एच आर डबल ई थ्री, आईज ई वाई ई एस आईज, एल्बो ई एल बी ओ डब्ल्यू एल्बो, कबर्ड सी यू पी बी ओ ए आर डी कबर्ड, फाइव एफ आई वी ई फाइव, स्कार्फ एस सी ए आर एफ स्कार्फ। नेक्स्ट शोल्डर एस एच ओ यू एल डी ई आर शोल्डर, ड्रेस डी आर ई डबल एस ड्रेस, टीवी एस ओ सी के एस सॉक, हेड एच ई ए डी हेड, रेनकोट आर ए आई एन सी ओ ए टी रेनकोट, स्टमक एस टी ओ एम ए सी एस स्टमक, ग्लास जी एल ए डबल एस ग्लास, हॉल एच ए डबल एल हॉल, बेड बी ई डी बेड। सो नाउ स्टूडेंट, इस तरह से हमारा वर्ड हाउस ये लेसन पूरा सीखा के हो चुका है। ये जो वर्ड्स है राइट इन योर नोटबुक टू टाइम्स, ओके, और इसका अच्छी तरह से स्पेलिंग बाय हार्ट करना है। स्टे होम, स्टे हैप्पी। थैंक यू।